हेलो दोस्तों, आप सभी ने कभी टाइम ट्रेवल के बारे में जरूर सुना और पढ़ा होगा। हम में से ज्यादातर लोग इसे असंभव मानते हैं, पर कुछ लोग इसे संभव भी मानते हैं। लेकिन अगर कोई टाइम ट्रेवल को संभव मानता है तो क्यों मानता है और इसके सच होने के क्या सबूत हैं? ये सारी बातें आज हम अपनी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल इतिहास में ऐसी कई प्रकार की घटना घट चुकी है जो टाइम ट्रेवल के सच होने का इशारा करती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इन घटनाओं के बारे में। नंबर 5, द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट को यूएसए नेवी ने फिलाडेल्फिया के समुद्री इलाके में 28 अक्टूबर 1943 में शुरू किया था। ये दुनिया की सच्ची और चौंका देने वाली घटना है, क्योंकि यूएसए नेवी का लड़ाकू जहाज अपनी जगह से अचानक गायब हो गया और उसी वक्त ये जहाज नॉर्थ पोल वर्जीनिया में देखा गया। ये परीक्षण इसीलिए किया जा रहा था ताकि शत्रु के रडार से जहाज को छुपाया जा सके, लेकिन ये परीक्षण के साइड इफेक्ट के कारण ये जहाज टाइम ट्रेवल कर गया। और उसके बाद भी आने वाला सच ये है कि जब वर्जीनिया में जहाज को देखा गया तो जहाज में मौजूद सभी लोगों के शरीर के अंग जहाज में फंसे हुए थे, मानो टाइम ट्रेवल के दौरान उनके शरीर के हिस्से जहाज में फंस गए हो। कुछ लोग जहाज में गायब भी थे जिनका पता आज तक नहीं चल पाया। नंबर 4, फ्लाइट इन टू द फ्यूचर। ये घटना है सन 1935 की, जब एयर मार्शल सर विक्टर गॉर्डन ने अपने विमान पर एक परीक्षण किया था। जब वे स्कॉटलैंड से अपने देश के लिए यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने अपना नियमित रास्ता बदलकर एक अनजान रास्ते से जाने का फैसला किया जो एडवर्ग शहर के करीब ही था। जिस रास्ते से वो जाने वाले थे वो बंद पड़ा हुआ एयरबेस ही था। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक भयंकर आंधी का सामना करना पड़ा और उनका विमान अनियंत्रित होकर जमीन की तरफ आने लगा। जब उन्होंने अपने विमान को जमीन पर उतारा तो उन्होंने देखा कि बंद पड़ा हुआ एयरबेस पूरी तरह कार्यरत था और वहाँ 4 पीले विमान थे जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के लग रहे थे। दोस्तों जब वे 4 साल बाद जहाँ एक्सपेरिमेंट करने गए तो उन्होंने वही 4 विमान फिर दिखाई दिए जिनको उन्होंने 4 साल पहले ही देख लिया था, लेकिन ये सब विमानों का आविष्कार उनके देखने के कई साल बाद हुआ था। नंबर 3, टाइम ट्रेवल इन चार्ली चैपलिन मूवी। सन 1928 में चार्ली चैपलिन की फिल्म की प्रमोशन के दौरान एक फुटेज सामने आई जिसमें एक महिला सेल फोन में बात करती हुई कैमरे में कैद हुई। उस वक्त तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाद में इस वीडियो पर गौर किया गया तो देखा गया कि एक महिला सेल फोन पर बात कर रही है, जबकि 1928 में तो सेल फोन का आविष्कार ही नहीं हुआ था। इस वीडियो को बनाने वाले फिल्म मेकर जॉर्ज क्लार्क ने इस वीडियो को कई लोगों को दिखाया, पर किसी ने भी इस महिला को नहीं पहचाना। नंबर 2, मिस्टीरियस मैन इन द बुक। साल 1974 में प्रिंट की हुई एक किताब मिली जिसमें पुराने जमाने की स्टोरी और फोटोग्राफ्स थे जो कि कैप स्कॉट की थी, जो अब कनाडा और अमेरिका के बीच है। उस किताब में एक फोटो सबको चौंका देने वाली थी जिसमें सभी आदमियों की फोटो को बाद में देखा गया और पहचाना गया। सभी ने 1970 के जमाने के कपड़े पहने थे, लेकिन उन सब में एक इंसान ऐसा भी था जो मॉडर्न कपड़े और मॉडर्न हेयर स्टाइल में नजर आ रहा था। आप देख सकते हैं कि उसने मॉडर्न जमाने की टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनी हुई थी और उसके बगल में बैठे व्यक्ति से आश्चर्य से देख रहे थे। नंबर 1, टाइम ट्रेवल हिपस्टर। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, क्या आपको इसमें कुछ अजीब दिखाई दे रहा है? ये तस्वीर कनाडा की वेबसाइट वर्चुअल म्यूजियम से ली गई है और इसे 1941 में खींचा गया था, और ये तस्वीर कनाडा के साउथ पोल ब्रिज के उद्घाटन के दौरान खींची गई थी। ये पिक्चर बिल्कुल असली है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसमें दिख रहा है कि ये शख्स बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। इसके कपड़े आज के जमाने के नहीं लगते, इसका हेयर स्टाइल और चश्मा भी मॉडर्न लग रहा है। तो क्या आज ये व्यक्ति समय यात्रा कर इतिहास में पहुंच गया था? ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों इनमें से कौन सी घटना आपको सबसे शॉकिंग लगी, कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।